पीएम मनोहर लाल को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत को इंतजार करवाना इतना महंगा पड़ जाएगा, यह किसी ने सोचा न था। दरअसल सीएम मनोहर लाल के गुरुग्राम में कई कार्यक्रम थे और इन्हीं कार्यक्रम में एनएचएआई का हीरो होंडा चौक पर बने अंडरपास का उद्घाटन किया जाना था, जिसका समय तकरीबन 2 बजे का रखा गया था और तय समय के अनुसार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत अपने तमाम समर्थकों के साथ हीरो होंडा चौक पहुंच गए। लेकिन सीएम का काफ़ी लंबा इंतजार करना उन्हें इतना नागवार गुजरा कि भरी सभा में कई विधायकों, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और मंत्री राव नरबीर की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने सीएम मनोहर लाल को खरी खरी सुनानी शुरू कर दी। केंद्रीय मंत्री आवेश में यह तक भूल गए कि सीएम ने उन्हें इंतजार जानबूझकर नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से वापसी पर देरी से आने की वजह से हुआ। सुनिए क्या कहा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने। और जब मैं पहली बार लड़ रहा था इलेक्शन तो मेरे पिताजी ने एक चीज मेरे को कही थी कि अगर राजनीति में कामयाब होना है तो आपको एक चीज के ऊपर अमल करना होगा कि जो आप प्रोग्राम दें राजनीतिक तौर के ऊपर उस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए पूरा प्रयत्न होना चाहिए, चाहे राष्ट्रीय भारत का मतलब। अमूमन राजनीति में आकर के लोग व्यस्त हो जाते हैं, कुछ नई चीजें सामने आ जाती है, प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ता है, लेकिन करना उसी दिन के ऊपर चाहिए, ये मेरा मानना है। आज पहले दिन 5 साल की योजना के अंदर मैं गुड़गांव के अंदर इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित होने के लिए आया था। इससे पहले का प्रोग्राम था जिसका जिक्र अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री साहब कर रहे थे, हीरो होंडा के फ्लाईओवर का उद्घाटन, अभी कटारिये चौक का उद्घाटन, वो पोस्टपोन हो गया, मैं वहां खड़ा रह गया। भारत सरकार का प्रोग्राम था ये जो हाईवे बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, गुड़गांव के अंदर नई नई डेवलपमेंट नजर आ रही है, ये भारत सरकार के पैसे से भी आ रहा है। हरियाणा सरकार ने जरूर किया है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं कहता कि नहीं किया है, पर हमारी सरकार का आज पहले दिन 5वें साल के अंदर नरेंद्र भाई मोदी के मंत्री का उत्थान हुए तो भाई केंद्र सरकार सरकार कैसे हाथ से हाथ मिला करके चले। और मनोहर जी आपके तो इलेक्शन आएंगे हमारे 6 महीने बाद, मेरा इलेक्शन तो अभी आ रहा है, एक साल बचा है, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को दोबारा गठन करने का प्रयास आज से चालू हो रहा है, और पहले ही दिन इस तरह का कार्यक्रम हो जाए तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत सरकार के मंत्रियों की और एमपी की हरियाणा सरकार चुनाव के अंदर इमदाद करेगी? और क्या हम ये पूछ सकते हैं कि अगर इतना व्यस्त वाला का काम है, 5वें साल में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो क्या थोड़ी बहुत फीते काटने की सौगा आप एमपी को और केंद्र के मंत्रियों को भी दे दिया करो? आप बड़े व्यस्त हैं मैं जानता हूं, लेकिन हम भी सरकार किसी पार्टी के हिस्से हैं जिसने आपको हरियाणा के अंदर सत्तासीन करवाया था, और आज इस तरह की सबके साथ में देश की मंत्री भी हो तो पब्लिक में क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये मैं पूछना चाहता हूं। आज मैं आया था केंद्र सरकार के विषय के अंदर बात करने के लिए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये है कि जो मेरे दिल के अंदर बात होती है वो मेरे को कहनी पड़ती है। आज मुझे उदासीनता से ये कहना पड़ रहा है कि मुझे आपसे कोई खास उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन के अंदर आपकी सरकार एमपी की मदद करेगी। और जो उद्घाटन होना था हीरो होंडा चौक का, मैं कभी कैसे कराया, सीता ही बात को बताया है, वो आगे नहीं करती, मैं तो होकर के आ गया, आपने टाइम दिया था, मैं होकर के आ गया, आप नहीं पहुंचे, मेरे को टेलीफोन कर देते, आपके डीसी हैं, आपके एसपी हैं, कोई तो खबर करे या वहां खड़े रहे, केंद्र सरकार का कार्यक्रम हो, केंद्र सरकार पैसा लग रहा हो और हम धूम दबा करके चले जाए, तो ये तो हम नहीं करेंगे।
अगली बार बेहतर यह है कि आप आमंत्रित ही आप हमारे को आमंत्रित ही ना करें। और मैं कभी साहब से ये भी उम्मीद करूंगा कि जब वो करें तो अगले केंद्र सरकार के कामों के अंदर खुद ब खुद केंद्र का उस महकमे का मंत्री उपस्थित होना चाहिए। हालांकि सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री की बातों का जवाब बड़े ही सहजता के साथ दिया। सीएम मनोहर लाल ने अपने भाषण के दौरान कहा कि वे पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, यूपी और वहीं से वापस लौटने पर देरी की वजह से कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राव इंद्रजीत की सभी बातों पर कहा कि अगर यही बातें व्यक्तिगत तौर पर मुझे राव साहब कहते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। आप भी सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। और उसी के एक पार्ट का उदाहरण आज जिस कारण से जो चर्चा राव साहब कर रहे थे उसको मैं बाद में थोड़ा सा, लेकिन वो कारण था कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में उसका प्रोसेस स्टार्ट की थी कुर्मी गाजियाबाद का रोड, उस रोड का जो उद्घाटन उत्तर प्रदेश का था हमको नहीं मालूम था कि हमको उसमें जाना होगा, लेकिन दो दिन पहले समाचार आया कि उसने हरियाणा के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है इसकी जो जानकारी उसमें हमारा भारतीय किसान को कि वो जो 135 किलोमीटर का जो टुकड़ा है केजीपी का उसमें 50 किलोमीटर का हिस्सा कुछ छोटे निकला और कुछ करोड़ निकला, ये हरियाणा में लगता है 135 में से 85 किलोमीटर उत्तर प्रदेश का है, 50 किलोमीटर हरियाणा का है, इसलिए हरियाणा होने के नाते वो इस प्रोटोकॉल के नाते मुझे उसमें जाना पड़ा, जिसके कारण से मैं आपकी जानकारी के लिए ठीक 2 बजे उत्तर प्रदेश के बागपत स्थान के ऊपर था। 2 बजे के बाद मुझे यहाँ 2 बजे पहुंचना था, 2 से 3 बजे का कार्यक्रम था, अल्टीमेटली 2 बजे 3 बजे पहुंचा, जिसके कारण से कार्यक्रम का व्यवधान हुआ। वहां मेरा कभी रिकॉर्ड नहीं है, मेरा रिकॉर्ड है एक समय पहले उस समय से बाद में पहले बार पहुंचना, मेरा रिकॉर्ड है। कोशिश करके मैं उसमें लेट हुआ, लेकिन अगला कार्यक्रम लेट ना हो। आप यहाँ कार्यक्रम ये जो तय किया गया था 4 से 6 का तय किया गया था, मुझे 7:15 का कार्यक्रम दिया था, मैं 4:18 पर यहाँ आ गया। खैर बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, लेकिन सरेआम इस तरह की बयानबाजी से एक बार फिर प्रदेश सरकार के मुखिया को केंद्रीय मंत्री के बड़बोलेपन के कारण शर्मिंदा जरूर होना पड़ा। वहीं जहां 2019 का चुनावी बिंगुल का आगाज हो चला है, वहीं विपक्ष को बैठे बिठाए एक और मुद्दा जरूर हाथ लग गया है कि कैसे भाजपा के मंत्री भरी सभा में सीएम को अपने बयानों के कारण शर्मिंदा करते हैं, वो भी प्रदेशाध्यक्ष की मौजूदगी में। ऐसे बयानों का असर क्या था मंच पर, इसका अंदाजा मंचा सिंह मौजूद मंत्री विधायकों व सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की बुगबुगाहट से भी लगाया जा सकता है। इससे एक बात और भी बाहर आ रही है कि जो टर्न कोट करके मौके पर भाजपा में आए थे वो किस कदर अंदर से घुटन महसूस कर रहे हैं, क्या ये इसी का नतीजा तो नहीं। न्यू न्यूज़ फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह के साथ गुरुग्राम से सूरज दोहन की रिपोर्ट। नहीं, वो तो जो मैंने कहना था वो तो स्पष्ट कर ही दिया कि केंद्र की योजनाएं आज के दिन उद्घाटन करी जा रही हों और एंड टाइम के ऊपर कार्यक्रम चेंज कर दिया हो और केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव यानी कि मोदी सरकार का रिप्रेजेंटेटिव जिसकी 4वीं सालगिरह आज के दिन मनाई जा रही है उसको वहां पर बिना इन्फॉर्म किए और प्रोग्राम चेंज कर दिया जाए तो ये राजनीति के अंदर उचित नहीं है, ये मैंने कहा है। उम्मीद तो जनता से ही होती है ना, जनता ही, मुख्यमंत्री भी जनता बनाती है, मंत्री भी, एमपी भी, एमएलए भी जनता बनाती है, तो जनता से मुझे उम्मीद है।